हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हैरी पॉटर की स्केच बनाने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, और आज वाली वीडियो को भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, आपको कुछ ना कुछ 101% सीखने को पक्का मिलेगा। और मैंने हैरी पॉटर की स्केच बनाई है आज, और ये आपके सामने मैंने आराम से हल्के हाथों से आंखें बनाई हैं। आंखें बनाने के बाद इनकी चश्मा भी बना दी है, ठीक है। जितना आप हल्का हाथ से बनाओगे, जितने आप हल्के हाथ से ड्राइंग को बनाओगे, उतनी अच्छी खिल के आएगी ड्राइंग। फिर मैंने इनके आईब्रो बना दिए अच्छी तरीके से, और फिर लिप्स बना दिए जैसे आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। फिर मैंने इनके हेयर्स बनाने चालू कर दिए साइड से। ये मैंने आराम से धीरे धीरे स्केच में हेयर्स को आराम से धीरे धीरे बना दूंगा, ठीक है। फिर मैंने हल्की हल्की इनकी आईज को अच्छा लुक दिया है, और ये मैंने डंडी बना दी है चश्मा की। फिर यहां से मैंने हेयर्स को बनाना चालू किया, जो ऊपर वाले हेयर्स हैं जो, वो बनाना चालू किया है। और वीडियो में पहले बता रहा हूँ आपको, फास्ट फॉरवर्ड है, तो वैसे तो बहुत बड़ी वीडियो है। और फिर मैंने बालों को हल्का हल्का भी बनाया, ठीक है। फिर मैंने नीचे से इनकी शर्ट वगैरह बनाई है, शर्ट को ड्रॉ किया है जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करा करो, शेयर करा करो अपने दोस्तों को, इससे हमें एक सपोर्ट मिलता है। फिर मैंने यहाँ से शेडिंग करनी चालू कर दी है। शेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे मैंने आईब्रो बनाई है। आईब्रो के अंदर मैंने मैकेनिकल पेंसिल का, जैसे कि मैंने हर वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझाया कि बाल वगैरह बनाओ, रियलिस्टिक हेयर्स बनाने में मैकेनिकल पेंसिल का ज़्यादा यूज लिया करो। मैकेनिकल पेंसिल मतलब लीड पेंसिल, जो लीड आती है ना जिस पेंसिल में, वो वाली पेंसिल बता रहा हूँ मैं, वो यूज़ किया करो, उससे अच्छी ड्राइंग बनती है। इसके बाद में मैंने हल्की हल्की जहाँ शेडो देने की थी वहां पे मैंने शेडो दिया, और आईज को अच्छे से ड्रॉ किया और रियलिस्टिक लुक दिया आईज को। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, आईज की रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई है मैंने, एक पहले शॉट डाला हुआ है, वो शॉट को जाके देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है। किसी को सीखना है कि आईज को रियलिस्टिक लुक कैसे दें, तो वो आप जाके जरूर देखना, ठीक है। और उसमें मैंने एकदम इजी बताया, ज़्यादा हार्ड नहीं बताया, ठीक है, आराम से प्यार प्यार से बताया उसमें भी, वो देखना जरूर आप, आपको समझ में आएगा। फिर मैंने हेयर्स ड्रॉ कर लिए हैं। हेयर्स को मैंने रियलिस्टिक लुक देने के लिए, वापस बता रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल मतलब लेड पेंसिल का यूज़ लिया है। लीड पेंसिल जो आती है हमारी, उस पेंसिल का यूज़ लिया है। और ये मेरी हल्की शेडो आ गई है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, मैं हर जगह रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। और होप है कि आपको अच्छा भी लगता होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करो। और